हेलो एवरीवन, साइकोलॉजी विश्व चैनल पर आपका स्वागत है। पर्सनालिटी के पार्ट 4B सेक्शन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेज, जिसको सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और इन्होंने ये बताया कि जो पर्सनालिटी का विकास होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, वो 5 स्टेजेस से होकर गुजरता है। ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, इसकी किस तरीके से फंक्शन करता है, इसके मेन पार्ट क्या क्या होते हैं। अगर ये फुलफिल ना हो स्टेज, अगर कोई फिक्स हो जाए, अगर कोई समस्या आ जाती है, तो व्यवहारात्मक रूप से किस तरीके की समस्या आएगी, पूरी बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज के लिए सिगमंड फ्रायड ने 5 स्टेजेस बताए। ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड जेनाइटल स्टेज। सबसे पहली चीज़ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत बार नेट के क्वेश्चन में आया है और भी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में आया है कि ये 5 स्टेज कौन से हैं या इसको सीरियल वाइज करना है आपको। तो पहला स्टेज क्या होगा, दूसरा क्या होगा, इसको मैंने सीरियल से ही लिखा है, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। ठीक है, एक एक के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं लिबिडो, क्योंकि लिबिडो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समझने के लिए। अगर हम बाकी स्टेजेस को समझना चाहेंगे तो देखिए ये लिबिडो क्या होता है। लिबिडो बेसिकली एक सेक्सुअल अर्ज होता है, इसको फ्रायड कहते हैं सेक्सुअल अर्ज होता है। ये होता है पार्ट व्यक्ति के इड का पार्ट होता है, जैसे इड ईगो, सुपर इडो ईगो होता है, ये इड का पार्ट होता है। लिबिडो क्या होता है, सेक्सुअल अर्ज का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये पूरी सेक्सुअल एक्टिविटी से भी होता है, साथ साथ इंसान अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को फुलफिल करने के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लिखा है कि लिबिडो सीक्स ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम सेक्सुअल एक्टिविटीज। लिबिडो क्या करता है, लिबिडो को ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, लिबिडो को सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है सेक्सुअल एक्टिविटीज करके। बिहाइंड ईच एंड एवरी एक्टिविटी देयर इज अ सेक्सुअल अर्ज। फ्रायड कहते हैं कि हर व्यवहार के पीछे, व्यक्ति के हर फिक्सेशन के पीछे, हर समस्या के पीछे सेक्सुअल अर्ज होता है। लिबिडो एक्टिव्स एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ इन मेनी फॉर्म्स एंड देयर मस्ट बी दीज मस्ट बी सेटिस्फाइड। फ्रायड कहते हैं कि ये जो लिबिडो होता है, ये जीवन के हर स्टेज पर, जिंदगी के हर स्टेज पर, हर उम्र पर ये एक्टिव रहता है अलग अलग तरीके से, और उसे सेटिस्फाई करना पड़ता है। अगर वो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो समस्या उत्पन्न होने लगती है। और ये कहते हैं कि सेटिस्फैक्शन इज मैंडेटरी, देन वन कैन शिफ्ट टू नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट। अगर जैसे ये ओरल, एनल, फैलिक की बात करते हैं, अगर एक स्टेज का डेवलपमेंट नहीं होगा तो दूसरे पर जाना मुश्किल होगा या वो चीज़ समस्यात्मक हो सकती है आगे चलकर। देखिए ये इसके बारे में एक चीज़ ये भी कहते हैं कि लिबिडो, जैसे इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये तक कह डाला कि लिबिडो जो कि सेक्सुअल अर्ज होता है, ये नवजात बच्चों में भी होता है। जी हाँ, नवजात बच्चे जो कि 18 महीने, 12 महीने के बच्चे होते हैं, उन सब में भी लिबिडो, उन सब में भी सेक्सुअल अर्ज होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फ्रायड कहते हैं। हालांकि कई बार इनकी इस स्टेटमेंट की वजह से इनकी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज भी रही हैं, ठीक है, और फिर भी क्या हुआ है कि इनका रिसर्च इतना दमदार है, इनके काम इतने दमदार हैं साइकोलॉजी की फील्ड में, आज भी इनका बड़ा नाम है और इन पर आज भी रिसर्च हो रहे हैं, इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन इज लाइक अदर ग्रेटिफिकेशन एंड शुड बी कंसिडर्ड एज ए नॉर्मल नीड। ये कहते हैं कि जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन होता है, ये भी बाकी ज़रूरत की तरह होता है, जैसे हमको खाना चाहिए, पानी चाहिए, इसी तरीके से ये भी एक नॉर्मल नीड है जिसको फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, भूख, प्यास, नीड, सेक्स, जैसे ड्राइव की बात की जाती है, प्राइमरी ड्राइव की बात की जाती है, उसी तरीके से ये भी इंसान की नॉर्मल नीड है और इसको फुलफिल होना चाहिए। एक इन्होंने बताया है कि ग्रेटिफिकेशन एट एवरी स्टेज नॉट बैलेंस देन फिक्सेशन टेक्स प्लेस। अगर ग्रेटिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन नहीं होगा लिबिडो का हर स्टेज पे, तो क्या होगा कि फिक्सेशन स्पेस ले लेगा, प्लेस ले लेगा, यानी कि समस्यात्मक चीज़ें उत्पन्न हो जाएंगी। देखते हैं फिक्सेशन क्या होता है और फिक्सेशन कब होता है। फिक्सेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति के व्यवहार समस्या, कोई भी चीज़ उसके, कह सकते हैं कि उसको कुछ भी, जो भी उसको चाहिए, उसकी नीड्स अगर फुलफिल नहीं होती, तो एक समय के बाद या उस समय वो चीज़ समस्या उत्पन्न कर देती है। तो यही जो समस्या है, इसी को इन्होंने फिक्सेशन बोला है। देखिए फिक्सेशन दो कंडीशन में होता है, एक जब व्यक्ति की नीड फुलफिल ना हो, दूसरी जब व्यक्ति की नीड जरूरत से ज़्यादा फुलफिल हो। देखिए दोनों में समस्या है, अगर कम है तो भी दिक्कत और अगर ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत। जैसे अगर आपको खाना कम दे दिया जाए
तो आप थकने लगेंगे, आप चिड़चिड़ा होने लगेंगे, ठीक है। और अगर आपको खाना जरूरत से ज़्यादा दे दिया जाए तो हो सकता है इंसान अजगर की तरह एक ही जगह पड़े रहेगा, आलसी की तरह, अरे यार मेरा पेट भारी हो गया, ये वो फलाना ढिमकाना, है ना। तो क्या होता है कि उसके व्यवहार में क्या होगा कि आलसीपन आने लगेगा, ठीक है, और जो भी उसके व्यवहार होंगे उसमें प्रभाव और पड़ने लगता है। इसी तरीके से कहते हैं जो लिबिडो है, ठीक है, सेक्सुअल अर्ज की बात करते हैं, ये अगर लिबिडो फुलफिल नहीं होगा, समस्या, एक्स्ट्रा फुलफिल हो गया तो भी समस्या, तो इस कंडीशन में इसका बैलेंस्ड रहना बहुत जरूरी है हर स्टेज में, ठीक। अब देखते हैं हर स्टेज में क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए ओरल स्टेज, अभी मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, एक एक स्टेज के बारे में ब्रीफ डिस्कस करेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे ओरल, ओरल का जो पार्ट होता है, ठीक है, ओरल का जो लिबिडो का पार्ट होता है वो है माउथ, और व्यवहार क्या होता है, सकिंग और स्वालोइंग, यानी कि चूसना और निगलना। एनल का क्या पार्ट होता है, द एनस, क्या होता है, विदहोल्डिंग एंड एक्सपेलिंग फैक्सेस, ठीक है। और फेलिक, फेलिक स्टेज का मतलब, इसमें क्या होता है, द पेनिस और द क्लाइटोरस, और इसका जो व्यवहार होता है वो किस तरीके से दिखता है, मास्टरबेशन से। लैटेंसी, इसमें जो लैटेंसी, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये छिपा हुआ स्टेज होता है जिसमें पूरी सेक्सुअल एक्टिविटीज एकदम छिप जाती है, व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा सोशल करने की कोशिश करता है और कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करता। फिर आता है जेनाइटल स्टेज, जेनाइटल स्टेज अचानक से उफान मारता है और जो पार्ट हो जाता है बॉडी का वो हो जाता है द पेनिस और वजाइना, और व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ डायरेक्ट होने लगता है। चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेज के बारे में, ओरल स्टेज के बारे में। ओरल स्टेज जो कि 0 से 18 महीने तक चलता है, यानी कि यह 1.5 साल तक बच्चे में होता है। और ये प्लेजर कहाँ से लेता है बच्चा, बच्चा प्लेजर को अपने लिप से लेता है, अपने मुंह से लेता है। किस तरीके से लेता है, चूस करके लेता है या फिर काट करके लेता है। देखिए इसमें भी जो ये थ्योरी है ये भी 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक है ओरल सकिंग, दूसरा है ओरल बाइटिंग, ठीक है। सकिंग मतलब चूसना, बाइटिंग मतलब काटना। देखते हैं सकिंग में क्या है और बाइटिंग में क्या है। देखिए ये जो आपकी सकिंग वाली स्टेज होती है, यह बच्चे में 0 से लेकर 8 महीने तक चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन करता है ना, बच्चा जो अपना लिबिडो को सेटिस्फाई करता है वो अपने मुंह से करता है। किस तरीके से करता है, वो कभी कभी अपने होठों को चूसता है, कभी, ठीक है, जीभ को चूसता है, अपने मुंह में अंदर चूसता रहता है। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चा ऐसे ही मुंह डुलाता रहता है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ चूस रहा है, जबकि वो चूस नहीं रहा होता, असल में वो अपने टंग टंग से वो चीज़ फील कर रहा होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कभी कभी बच्चा, ये भी कहते हैं फ्रायड, कि जब बच्चे का पेट भर जाता है लेकिन फिर भी वो अपने जब माँ का दूध पीता है तो माँ का दूध पीते दौरान जब उसका पेट भर जाता है फिर भी वो निप्पल को चूसते रहता है, ठीक है। तो असल में वो क्या क्या करता रहता है, वो अपने ओरल सकिंग वाले बिहेवियर को सेटिस्फाई कर रहा होता है, उसे ये चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ के बारे में फ्रायड कहते हैं, बच्चों को अगर 7 महीने 6 महीने पर अगर उनका दूध छुड़ा दिया जाए, यानी कि माँ का दूध पीना छुड़ा दिया जाए, तो यह चीज़ बच्चों के लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है। ट्रॉमेटिक है ना, एक बहुत बड़ी घटना बच्चे के लिए, अगर 6-7 महीने पर माँ दूध छुड़ा देती है या उससे पहले भी समस्या हो जाती है या बच्चे का दूध छूट जाता है, तो यह बच्चे के लिए ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है। और फिर क्या होता है ना कि एक तरीके से उसका लिबिडो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो जाता, या फ्यूचर में चलकर बच्चा अलग अलग कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उत्पन्न कर सकता है, ठीक, ये है। इसी तरीके से ओरल बाइटिंग, ओरल बाइटिंग, बाइटिंग मतलब काट कर, ठीक है, उसे चीज़ों को काट कर मज़ा आता है, ठीक है। जैसे छोटा सा बच्चा है और छोटा बच्चा बड़ा क्यूट होता है और उसके छोटे 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 दांत होते हैं, और उस प्यारी सी दांत वाली मशीन में आप उंगली भी डालिए तो उसको वो काट लेगा, ठीक है, वो दांत काट लेगा आपकी उंगली में। तो उस ऐसा नहीं कि उसे मतलब आपने ट्रेनिंग किया, उसे इस चीज़ से मज़ा आता है, वो बाइट लेकर वो अपने लिबिडो को सेटिस्फाई करता है, वो एकदम आनंदित महसूस करता है। तो होता क्या है ना, ये जो, और जो ये ओरल बाइट वाली स्टेज होती है ये आपकी 6 से 18 महीने तक चलती है। तो
इस तरीके से होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि ये समस्या तब भी उत्पन्न होने लगती है जैसे जब उसे बोतल में दूध पिलाया जाता है और भोजन की क्रियाएं सिखाई जाती है। कभी कभी जब वो सेटिस्फाई नहीं होता और जब बोतल के निप्पल को दिया जाता है तब उसे भी वो काटने लगता है। अक्सर देखा होगा बच्चे उसको दांत काट के खराब कर देते हैं। इसी स्टेज में बच्चों को नई नई आदत की आदतें सिखाया जाता है। अगर इसमें कोई समस्या आती है तो इसमें फ्रायड कहते हैं बाइटिंग वाली स्टेज में, तो यह बच्चे के लिए सेकंड ट्रॉमेटिक स्टेज हो जाता है। ठीक। और अगर ओरल सकिंग ओरल बाइटिंग अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ तो आगे चलकर बच्चा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग में इन्वॉल्व हो सकता है। देखिए जो दूसरा स्टेज है वो है एनल स्टेज, 18 महीने से 3 साल तक चलने वाली प्रक्रिया। चाइल्ड डेराइव्स मस्ट प्लेजर फ्रॉम एनल एक्सपल्सन और मैनिपुलेशन, या इसको एनल रिटेंशन भी बोलते हैं, रिटेंटिव स्टेज भी होता है ये। देखिए एक्सपल्सन क्या होता है कि त्यागना। ठीक है, बच्चा क्या करता है मलमूत्र को त्याग कर लिबिडो को सेटिस्फाई करता है, उसको प्लेजर मिलता है। और कभी कभार क्या होता है ना कि बच्चा जब अपनी नाराजगी को जाहिर करना होता है तो वह अगर बोल नहीं पाता है तो क्या करता है कि वह ऐसे ही बिना हाइजेनिटी के, यानी कि क्या करता है कि मलमूत्र त्याग कर ही अपने नाराजगी को व्यक्त करता है। दूसरी चीज की खास बात ये होती है ना एनल स्टेज की कि इसमें ईगो डेवलपमेंट का भी विकास होने लगता है। और एक्सपल्सन वाले स्टेज में ही क्या होता है कि बच्चा ये भी समझने लगता है एनल स्टेज वाले में कि कोई भी जेंडर जो है वो आगे चलकर क्या बनेगा। जैसे कि अगर बच्चा है लड़का है तो आगे चलकर वो पिता बनेगा, लड़की है तो आगे चलकर वो माँ बनेगी। एनल मैनिपुलेशन या एनल रिटेंटिव स्टेज जो होती है इसमें बच्चे को मल मूत्र को त्याग कर नहीं रोक कर सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, वह मलमूत्र को कंट्रोल करता है। ठीक है, उसे सूसू लगी रहेगी तो वो कंट्रोल करेगा और उसे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि वह सोशल वैल्यू को समझता है। ठीक है, वह यहाँ पर सोशल वैल्यू को समझता है। ठीक है, वो ये समझता है कि अगर वो लोगों के सामने अपने सुसु को पुटी को अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी, उसके माता पिता का इंटरेस्ट का केंद्र बन नहीं रह जाएगा। इसी स्टेज में देखिए टॉयलेट ट्रेनिंग चलती है जो कि व्यक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। ईगो डेवलपमेंट इसी स्टेज में होता है। साथ साथ बच्चा जो है रिस्पेक्ट और इंसल्ट इस स्टेज में समझने लगता है। जैसे कि वो कंट्रोल करना सीख गया तो कंट्रोल इसलिए कर रहा है ना भाई क्योंकि उसे शौक नहीं लगा है, उसे इसलिए करता है क्योंकि वो सोशल वैल्यूज़ को समझने लगता है और उसे ये लगता है कि अगर वो ऐसा करता है तो लोगों के सामने उसकी इंसल्ट हो जाएगी और मम्मी पापा या बाकी लोगों का इंटरेस्ट का केंद्र नहीं रह जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें फिक्सेशन होता है तो क्या होगा कि बच्चा आगे चलकर बहुत मेसी होने लगेगा या तो फिर बहुत ज़्यादा हाइजेनिक होने लगेगा। जैसे अगर बहुत स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग होने लगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग हुई है स्टेज में, तो आगे चलकर बच्चा क्या करेगा कि हर चीज़ में बहुत एक्सट्रीमिटी हाइजेनिटिक होने लगेगा जो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और अगर लो अगर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो भी ये मेसी होने लगेगा। आगे चलकर बच्चा ऐसे इन्वायरमेंट में रहने लगेगा, अगर वो कभी अकेले रहता है तो उसका कमरा देखेंगे तो बहुत मेसी टाइप का हो सकता है, इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, साथ साथ ये भी कहते हैं कि अगर एनल स्टेज का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से होता है तो व्यक्ति आगे चलकर क्रिएटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, जैसे वो पेंटर हो सकता है। ठीक है, स्कल्पचर हो सकता है जैसे कारपेंटर वगैरह हो गए। और अगर इस ये डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, फिक्सेशन हो गया, तो फिर आगे चलकर उसके व्यवहार में क्या हो सकता है कि वह बहुत हेटफुल हो सकता है, लोगों से नफरत करने वाला हो सकता है, एंटी सोशल हो सकता है और कंजूस हो सकता है। फिर आता है आपका फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज जो चलता है ये आपका 3 से 6 साल तक चलता है। ये 3 से 6 साल तक चलने की अवस्था है। होता क्या है कि इसमें बच्चों को एकदम क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है डिफरेंट जेंडर्स की। वह इस डिफरेंस को कभी कभार अपने भाई बहन को नहाते टाइम या किसी और एक्टिविटी को करते टाइम एक दूसरे को न्यूड देखकर या कभी कभार अपने मम्मी पापा को इस कंडीशन में देख लेता है, या फिर कई बार बच्चे अपने माता पिता को सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हुए भी देख लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स को ये लगता है कि यार अभी तो वो बच्चा है वो क्या ही समझेगा, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को कभी। और क्या होता है ना कि कुछ अवस्थाओं में बच्चे स्कूल जाने वाले लोगों के साथ जब खड़े होते हैं, ठीक है, तो भी एक दूसरे की क्या होता है कि सिमिलर जेंडर्स के साथ खड़े होते हैं तो वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अच्छा, मेल का टॉयलेट इधर है और फीमेल का टॉयलेट इधर है, गर्ल्स का टॉयलेट इधर है, बॉयज़ का टॉयलेट इधर है, तो इससे भी वो लोग अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर लेते हैं।
है ना। और इस स्टेज में बच्चे इस चीज को जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक रहते हैं कि उनका जो ये क्या कहते हैं प्राइवेट पार्ट है या जो उनका जेनाइटल है वो किस तरीके से काम करता है, हाउ इट फंक्शंस, दे आर वेरी क्यूरियस हाउ इट फंक्शंस, है ना। तो ये पूरा का पूरा इसमें फेलिक स्टेज का डेवलपमेंट होता है, और साथ साथ इसमें जो ग्रेटिफिकेशन होता है इसमें बच्चे अपने जेनाइटल्स को टच करके सेटिस्फैक्शन प्राप्त करते हैं, और मास्टरबेशन की शुरुआत इसी पीरियड में हो जाती है फ्रायड का कहना है, और सुपर ईगो का विकास भी फेलिक स्टेज में होने लगता है। देखिए फेलिक स्टेज बड़ा ही कॉम्प्लेक्सिटी वाला स्टेज होता है। फ्रायड ने ये कहा कि इस स्टेज में बहुत तरीके के कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जैसे ओइडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, पेनिस एनवी होता है। होता क्या है ये ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स और पेनिस एनवी, समझते हैं इसको बारी बारी से। देखिए जो ओइडिपस कॉम्प्लेक्स है, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स को फ्रायड ने कहा कि ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है जो कि बॉयज में पाया जाता है, यानी कि जो बच्चे लड़के होते हैं वो उन सब में पाया जाता है। होता क्या है इसमें कि एक बच्चा अपने माँ के प्रति आकर्षित होता है, अपने माँ के प्रति आकर्षित होता है, उससे प्यार चाहता है, वो चाहता है कि वो अपनी माँ से, मतलब ये प्यार मतलब जैसे एक ममता वाला प्यार तो नहीं कह सकते, एक अट्रैक्शन, एक अफेक्शन वाला प्यार चाहता है, ठीक है, वो अपने माँ के साथ रिश्ता चाहता है, ठीक है, ये बच्चे का है। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स के बारे में नियो फ्राइडियन जी यूंग ने बताया था। यूंग ने ये बताया कि देखिए जो इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होता है ये एक गर्ल्स का एक, यानी कि बच्चियों में, ये बच्चियों में साइकोसेक्सुअल कंपटीशन होता है। जैसे इसमें क्या होता है ना कि वो कंपटीशन अपने मम्मी से करती है फॉर पोजीशन ऑफ हर फादर, यानी कि गर्ल्स का कंपटीशन किससे होता है, उसकी मदर से होती है, और किसके अधिकार के लिए, अपने फादर पर वो अपना हक जता सके। इसी तरीके से बॉयज का जो कंपटीशन होता है वो अपने फादर से होता है, और किसके लिए होता है, अपने माँ के लिए होता है, ठीक है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या है, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, ओडिपस कॉम्प्लेक्स यानी कि बालक किसके लिए, माँ के लिए, और किससे कंपटीशन, अपने फादर से। इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स क्या होता है, गर्ल चाइल्ड होती है वो अपने फादर के लिए अफेक्शनेट होती है, और इसका कंपटेटर कौन होता है बच्ची का, वो होता है उसकी मदर, ठीक, ये है कॉम्प्लेक्स। और जो पेनिस एनवी होता है, पेनिस एनवी ये फ्रायडियन थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी में ही दिया गया है। इन्होंने ये बताया कि जो बहुत छोटी बच्चियाँ होती हैं, जो बहुत छोटी बच्चियाँ होती हैं वो डिप्राइव्ड फील करती हैं, ठीक है, वो वंचित महसूस करती हैं, और वो ये चाहती हैं या उन्हें ये लगता है कि मेरे पास ये कमी है कि उनके पास पेनिस नहीं है, उनके पास बच्चों यानी कि लड़कों जैसे उनके पास पेनिस नहीं है, और ये बच्चियों में ये कॉम्प्लेक्सिटी होता है बहुत छोटी उम्र में होता है, ठीक है। और ये जो फीलिंग होता है लेटर लीड टू डिज़ायर फॉर एक्सेस ऑफ पेनिस एंड नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअल डेवलपमेंट, और ये चाहती हैं कि वो भी लड़कों जैसे बिहेव करें, ठीक है। तो ये बेसिकली फेलिक स्टेज में उत्पन्न होने वाले तीन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होते हैं, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स एंड पेनिस एनवी। फिर आता है आपका लेटेंसी स्टेज जो कि 6 साल से लेकर 13 साल तक चलता है। और देखिए इसमें क्या होता है ना, ये बहुत ही शांत अवस्था होती है बच्चों के लिए, इसमें जो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज या लिबिडो होती है वो शांत हो जाता है। होता क्या है कि इसमें बच्चों में सोशल फियर डेवलपमेंट होने लगता है, उनमें ईगो डेवलपमेंट हो ही चुका होता है, साथ साथ बच्चे सोशल भी होने लगते हैं, है ना, वो अपने पीयर ग्रुप में मस्त रहते हैं, लोगों के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं, ठीक है। उनका इंटरेस्ट जो है बाहरी चीज़ों में ज़्यादा होने लगता है, वो अपने साथियों के साथ खेलने, मस्ती करने, गप लड़ाने में मस्त रहते हैं। इनफैक्ट इस स्टेज में बच्चों को अपने मम्मी पापा का प्यार पसंद नहीं आता, वो अपने मम्मी से पापा से आज़ादी चाहते हैं, वो कहते हैं मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे बाहर जाने दो, मम्मी मुझे आज़ादी दो, ठीक है। ये होता है सोशल सॉरी लेटेंसी स्टेज में, ठीक। फिक्सेशन क्या होता है कि अगर इसमें समस्या होती है तो बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि जो मास्टरबेशन होता है जो फर्स्ट स्टेज में इससे पहले वाले में सीखा था बच्चा किसमें सॉरी फैलिक स्टेज में, वो चीज़ नहीं छूटता। साथ साथ जो मम्मी के प्रति प्रेम था या पापा के प्रति प्रेम था, जैसे ओइडिपस एंड इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स वाला जो लव था, अब ये प्यार जो है वो सम्मान में बदल जाता है, ठीक
ठीक है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स वो खत्म हो जाता है, और वो जो मम्मी और पापा के प्रति प्यार रहता है वो सम्मान में बदल जाता है। फिर आता है आपका जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज जो कि प्यूबर्टी से चलती है और जीवन पर्यंत चलने वाली, मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट द इंडिविजुअल डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स। इस स्टेज में, इस साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज में जो व्यक्ति होता है वो सेक्सुअल इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग, बहुत इंटेंस तरीके से डेवलप कर लेता है, वो भी अपोजिट सेक्स के प्रति, ठीक है। और लैंगिकता बहुत ज़्यादा फूट जाती है इस अवस्था में। लड़के लड़कियाँ कहानी पढ़ने, मनगढ़ंत कहानियां सुनने, दीवासप्त, डे ड्रीमिंग, मास्टरबेशन, होमोसेक्सुअलिटी जैसे एक्टिविटीज करने लगते हैं, ठीक है। वो इनफैक्ट इंटरकोर्स में भी इंटरेस्ट लेने लगते हैं। और ऐसा भी देखा गया है, लड़के या लड़कियां जब अकेले होते हैं या हार जाते हैं या बहुत अपने आप को डिप्रेस्ड या पराजित अनुभव करते हैं, तो फिर उस पराजय से संतुष्ट होने के लिए वो दे डू मास्टरबेशन, वो मास्टरबेशन करते हैं। और लड़कियों में जो हल्ला गुल्लापन होता है, ठीक है, शरारत करने की प्रवृत्ति होती है, चंचलता होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है, और वो संकोची और लज्जाशील होने लगती है, ठीक है। और ये देखिए, इनकी पूरी की पूरी थ्योरी थी फ्रायड की, जो कि 5 स्टेजेस में चलती है। मैं फिर से रिवाइज कर दूँ, देखिए, ओरल, एनल, फैलिक लेटेंसी, जेनाइटल, ये पूरा का पूरा जो भी था, किसमें कौन सा पार्ट होता है, ये है। तो दोस्तों, ये थे पूरी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी। ये 5 स्टेजेस तो होकर गुजरता है। देखिए, फ्रायड को कुछ मनोवैज्ञानिक इसलिए गंदा व्यक्ति कहते हैं क्योंकि उसने भोले साल भाले बच्चों में सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को प्रूव करने की कोशिश की है। उनका यह मनोलैंगिक उत्पत्ति का सिद्धांत युवा व्यक्तियों के एनालिसिस और बच्चों के पारिवारिक निरीक्षण पर आधारित साइकोबायोलॉजिकल थ्योरी है। हुआ क्या कि इतनी अच्छी थ्योरी होने के बाद इनको क्रिटिसिज्म भी काफ़ी अच्छा झेलने को मिला है फ्रायड को। जैसे कि इन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटीज को कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, और नियो फ्रायडियंस जो कि जैसे कि एडलर, यूंग, हर्नी थे, ठीक है, इन लोगों ने भी फ्रायड के थ्योरी को डिमेरिटाइज किया, उसको कुछ कमियां बताई। तो दोस्तों, यहाँ पे ये थ्योरी ख़त्म होती है। देखिए, थ्योरी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि जो कि बंडूरा ने दिया है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी जिसको कहते हैं। तो वो वीडियो जल्द ही आपको मिलेगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके लिए नॉलेजिबल रहा कि नहीं, कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं साइकोलॉजी के, तो नेट की सीरीज चल रही है, समय समय पर देखते रहिएगा, और जिससे कि आपको अपडेट भी मिल सके। थैंक यू सो मच।